डेंगू बुखार से रोकथाम के लिए 38 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें डोर टू डोर पहुंचकर मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया आदि की रोकथाम की जांच करने के साथ मच्छर के खात्मे के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव, पब्लिक को जागरूक करना और बीमारियों की रोकथाम पर काम कर रहे हैं। गोरखपुर जिले में भी डेंगू के मामले मिले हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में केस सामने आ रहे हैं। अब तक 23 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। अभी भी कई मरीजों का बीआरडी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। संवेदनशील इलाकों के लिए कुल 38 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें बीमारी की रोकथाम और लोगों को बचाव के प्रति जागरूक करने में जुटी हैं। साथ ही लोगों के घरों में जमा पानी में मच्छर के लार्वा मिलने पर सोर्स डिटेक्शन का कार्य भी करवा रही है। जिनके घर में लार्वा मिल रहा है, विभाग उन्हें नोटिस दे रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, हमारी जो सोर्स रिडक्शन की टीमें हैं, वो 38 टीमें पूरे लगातार क्षेत्रों में काम कर रही हैं। जहां पर डेंगू के केसेस निकल रहे हैं, वहां पर एंटी डेंगू एक्टिविटी जो होती है कर रही हैं। लोगों को स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की सलाह दे रही हैं। पानी की से जमा पानी को हटाने की बात कर रही हैं। झाड़ियों की सफाई की बात की जा रही है। नालियों को ढकने का काम कराया जा रहा है और दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। घरों के अंदर कहीं पर पानी एकत्र ना हो, इसकी लोगों को सीख दी जा रही है और मच्छरों से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जहां पर तैयारी में हमारे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और जिला अस्पताल में एलाइजा के किट अवेलेबल किए गए हैं, डेंगू के किट अवेलेबल किए गए हैं और हमारी सीएचओ लगातार टेली कंसल्टेशन के जरिए भी बुखार के मरीजों का उपचार कर रही है। इसके अलावा जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर 5-5 बेड मच्छरदानी युक्त आरक्षित किए गए हैं। जिला अस्पताल में 15 बेड आरक्षित किए गए हैं। अगर हम डेंगू केसेस की बात करते हैं तो हमारे पास 23 केसेस कुल अभी तक हैं और सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जा चुके हैं।